चीन की सीक्रेट मदद से दो चुनाव जीते थे जस्टिन ट्रूडो। का नाराइट एजेंसी की जांच रिपोर्ट से हुए कई खुलासे। जांच कमीशन के सामने आज पेश होंगे कनाडा के पीएम ट्रूडो। चीनी दखल से निपटने के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही बताते हुए लगाई थी फटकार। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का खुला रास्ता। हाईकोर्ट ने माना शराब घोटाले की साजिश में शामिल थे केजरीवाल। केजरीवाल से तिहाड़ में आज नहीं मिल पाएंगे भगवंत मान। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किया मना। जन्मोत्सव पर सूर्य की किरणों से होगा रामलला का सूर्य तिलक। 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे वैज्ञानिक करेंगे नया प्रयोग। भीषण गर्मी के बीच मानसून पर आया बड़ा अपडेट। इस साल झमाझम बरसेंगे बदराग, किसानों को होगा फायदा। दिल्ली NCR और पश्चिमी UP में गर्मी दिखाएगी रौद्र रूप। गुजरात गोवा कर्नाटक समेत कई राज्यों में लू का दिखेगा असर। देश भर में जिला अस्पतालों में बनेंगे हीट स्ट्रोक रूम। केंद्र ने दोपहर में 3 घंटे घर पर रहने की दी सलाह। उत्तर पश्चिम भारत में 13 से 16 अप्रैल के बीच बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में आज मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। केरल तमिलनाडु में ईद उल फितर की नमाज की गई अदा। भारत में 11 अप्रैल को मनाया जाएगा ईद का त्यौहार। दुनिया के कई देशों में आज मनाया जा रहा है ईद का त्यौहार। अमेरिकी राष्ट्रपति समेत दुनिया के कई नेताओं ने दी मुबारकबाद। नई रिपोर्ट में युवाओं में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का खतरा। हड़ताल सामने आ रहे हैं 15 लाख से भी ज्यादा केस। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए तो बाइडेन से लेंगे बदला। मीडिया ने कहा संघीय जांच एजेंसियां कर सकती हैं कार्रवाई। पालघर और ठाणे जिले में बुलेट ट्रेन का काम शुरू। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर का है हिस्सा। सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत कजाकिस्तान में अहम बैठक। इसराइल में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय अलर्ट। अपना यादव ने रायबरेली में प्रियंका को हरा देने का किया दावा। बोली उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है कांग्रेस का जनाधार। धर्मेंद्र यादव के बहनोई अंजुस यादव ने किया बड़ा दावा। बोले मैनपुरी से डिंपल यादव को हराकर भेजूंगा घर। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव स्थगित। बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला। कांग्रेस नेताओं की बदजुबानी पर खड़गे को चुनाव आयोग का नोटिस। चेतावनी देते हुए कहा चुनाव प्रचार को ना बनने दें अपमान का मंच। गौतम नवलखा को चुकाना होगा 1,64,00,000 का बिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाउस अरेस्ट बिल से बचने का नहीं है रास्ता। 270 अंकों की तेजी के साथ 74,953 पर खुला सेंसेक्स। 77 अंकों की बढ़त के साथ 22,720 पर निफ्टी ने शुरू किया कारोबार। शरद पवार ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। सतारा से शशिकांत शिंदे और राबेर से श्रीराम पाटिल को टिकट। गाजा को लेकर बाइडेन ने नेतन्याहू को दी चेतावनी। बोले गलती कर रहे हैं इजरायली PM अब लगना चाहिए विराम। PM मोदी आज नितिन गडकरी के क्षेत्र नागपुर में करेंगे रैली। तमिलनाडु के कोंगु रीजन में भी लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। मंडी लोकसभा से कंगना बनाम विक्रमादित्य की टक्कर पक्की। सांसद प्रतिभा सिंह ने बेटे के चुनाव लड़ने के दिए संकेत। समाजवादी पार्टी आज लोकसभा के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर विशेषज्ञों ने किया तैयार। नवरात्रि में सन ऑफ मल्लाह के साथ मछली खाते नजर आए थे तेजस्वी। VIP प्रमुख मुकेश सहनी बोले कुछ लोगों को लगेगी मिर्ची। 17 माह बाद गाजीपुर आया अब्बास अंसारी। पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर पड़ेगा फातिया। अमेरिकी NSA ने भारत अमेरिकी संबंधों को बताया मजबूत। सुलवीन बोले नई ऊंचाइयों पर पहुंची दोनों देशों की साझेदारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग बस हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख। कल हुई दुर्घटना में अब तक 15 लोगों की जा चुकी है जान। RJD ने अपनी लिस्ट में आदमों को दी तरजीह। लालू ने दोनों बेटियों के साथ JDU के बागियों को दिया टिकट। म्यांमार में बंधक UP के 3 इंजीनियर्स से बर्बरता की हदें पार। 18 से 20 घंटे ले रहे काम अपरता दे रहे इलेक्ट्रिक शॉक। दिल्ली में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिला। 15 अप्रैल से भरी जाएंगी नर्सरी KG और पहली कक्षा की सीटें। बाबा महाकाल ने दिए श्री गणेश स्वरूप में दर्शन। चांदी का मुकुट रुद्राक्ष की माला से हुआ श्रृंगार। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पीटर हिक्स का निधन। गॉड पार्टिकल्स की खोज के लिए किया जाएगा याद। UP के CM योगी आदित्यनाथ आज कठुआ में करेंगे जनसभा। जिला प्रशासन ने शहर में चाक चौबंद की सुरक्षा व्यवस्था। नवरात्रि के पहले दिन मां वैष्णो के दरबार में पहुंचे 35,000 श्रद्धालु। पंजीकरण केंद्रों पर आज भी कार्ड बनवाने के लिए भक्तों की कतार। भाजपा और NDA को बिना शर्त मन से ने दिया समर्थन। लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे का बड़ा ऐलान। मन से प्रमुख राज ठाकरे ने खोला अमित शाह से मुलाकात का राज। बोले CM शिंदे के सुझाव पर गृहमंत्री से की थी मुलाकात। जयराम रमेश बोले हम भाजपा से कभी नहीं मिलाएंगे हाथ। सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है देश में लोकतंत्र। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने फिर मांगी माफी। भ्रामक विज्ञापन मामले में दायर किया हलफनामा।
भारत के प्राचीन इतिहास पर बोले एनएसए अजीत डोभाल का कुछ चीजों पर आलोचक भी नहीं उठा सकते सवाल। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को तैयार करने में आई चुनौती। पंबन रेलवे पुल के लिफ्ट स्पेन में तीव्र मोड़ पैदा कर रहा है परेशानी। हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर सुरजेवाला को नोटिस। चुनाव आयोग ने 11 अप्रैल तक जवाब देने का दिया आदेश। वीवीपैट से डाले गए वोटों के सत्यापन की मांग। सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी सुनवाई। दक्षिण भारत में साड़ी टोपी और गमछे की भारी मांग। चुनाव में 600 करोड़ से ज्यादा कारोबार की उम्मीद। एमबीए में सीट बंटवारे पर सहमति बनते ही कांग्रेस में अंदरूनी कलह। युवराज मोहित बोले मुंबई में कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी 3 सीटें। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को दी 2 रनों से शिकस्त। रोमांचक जीत के बाद खुशी से गदगद हुए कप्तान पैट कमिंस। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में बनाए थे 182 रन। 20 रन के भीतर पंजाब ने गंवा दिए टॉप ऑर्डर के 3 विकेट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।